अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप मुझे देख रहे होंगे, मैं आज फिर ये सिक्योरिटी का मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं कहीं सिक्योरिटी पे आया हुआ हूँ जी। तो बिल्कुल ये आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आज सिक्योरिटी की जॉब पर आया हुआ हूँ। एक क्रिकेट स्टेडियम में आया हुआ हूँ आज मैं, साउथ हैम्पटन में। ये हम शहर क्रिकेट स्टेडियम है। मैं अभी आपको इसका विज़िट भी करवाता हूँ। अभी क्योंकि हमारी शिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए अभी बैठे हुए हैं। तकरीबन 4 o'clock को अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है शिफ्ट स्टार्ट होने में। जैसे ही जॉब स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, अगर मौका मिलागा तो मैं आपको, जैसे ग्राउंड भी फुल होगा और क्राउड भी आया होगा, फिर और अच्छा व्यू होगा, मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हम जॉब पर मैं, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा, अगर मैं कुछ व्यू ले सकूँ तो आप लोगों के लिए आपको दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल ग्राउंड खाली है, मैं बिल्कुल ग्राउंड में बैठा हूँ ऑडियंस वाली जगह पे। मैं अभी आपको ग्राउंड का विज़िट करवाता हूँ। ये देखें, ये व्यू आप ग्राउंड का देखें, कितना प्यारा ग्राउंड है इधर का। ये हम शायर क्रिकेट ग्राउंड है इधर। ये जो क्या नाम है, ये T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का T20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसका इधर आज मैच है। मैं 2 दिन पहले भी इधर एक सिक्योरिटी की शिफ्ट करके गया हूँ, उस दिन भी एक मैच था, उसमें शदाब खान था एक टीम में। तो शदाब खान को मैंने इधर देखा और उसका कोई इतना मज़ा नहीं आया, कि क्योंकि उनकी टीम हार गई थी 10 विकेट से। ये मंडे वाले थी, मंडे लास्ट मंडे आई थिंक मैच था, तो उनकी टीम हार गई थी 10 विकेट से। तो शदाब की भी कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं रही, उसने तकरीबन 12 बॉलों पे 1 रन किया, और उसके बाद उसका बॉलिंग में भी काफ़ी मार पड़ी। 2 ओवर में उसने आए, जहाँ तक मैंने देखा 2 ओवर में उसको आई थिंक 26 और 27 रन पड़ चुके थे। आज देखते हैं, अभी तक मुझे पता नहीं किन किन का मैच है, कोई आज पाकिस्तानी प्लेयर है कि नहीं, अभी मैं देखूँगा। साथ आपको मैं व्यू ग्राउंड का एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। अभी ये ग्राउंड की मेंटेनेंस चल रही है, सारा काम हो रहा है, जैसा कि ये देखें। इसके बाद पिच पे काम हो रहा है, उसके बाद इधर ये नेट लगा हुआ है एक। ये ड्रेसिंग रूम है, ये बिल्कुल मेरे साथ ही। इधर ये प्लेयर्स वगैरह बाहर बैठे होते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा पड़ा हुआ है शिफ्ट स्टार्ट होने में। ये देखिए, ये सारे सिक्योरिटी वाले हमारी कंपनी के, कुछ ये बैठे हुए हैं, कुछ ये बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा ना, ये ग्राउंड थोड़ा सा लंदन से डिस्टेंस पे है। हमें कंपनी ने ही कन्वेंस अपनी कोच प्रोवाइड की, जिसने कंपनी की कोच में हम इधर आए हैं, पहले ही पहुँच गए हैं। 4 o'clock स्टार्ट होनी है मैच, 6 o'clock आई थिंक, या 7 o'clock मैच है, और तकरीबन 1.5 आवर पहले एंट्री स्टार्ट हो जाती है और ऑडियंस की क्राउड आना स्टार्ट हो जाता है। पिछले मैच में कोई इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन आज देखते हैं आज कितना क्राउड होता है। मैं कोशिश करूँगा कि क्राउड के साथ एक मैं व्यू ले सकूँ ग्राउंड का, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ी सख्ती से इन्होंने मना किया था, आप ड्यूरिंग ड्यूटी आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, अगर मोबाइल यूज़ करते देख ले तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है, तो इसलिए अवॉइड ही करते हैं कि मोबाइल यूज़ करें। तो ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कुछ प्लेयर, अभी वैसे प्लेयर आए नहीं हैं, ये लोकल ही प्लेयर मुझे लग रहे हैं। अंदर एक प्रैक्टिस रूम है, तो उधर से अभी हम आए, उधर भी लोकल प्लेयर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी ये काम शाम जारी है, बाउंड्री वगैरह सेट हो रही है, लेकिन ये ग्राउंड का व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है ये। इसके आसपास भी बाहर की जगह भी बहुत प्यारी है। हो सकेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, और अभी मिलेंगे जैसे ही मौका मिला, मैच शुरू होगा मैं, मुझे मौका मिला, मैं ज़रूर आपको ये ग्राउंड का विज़िट करवाऊंगा क्राउड के साथ। अभी मेरी थोड़ी देर में शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर के बाद। जैसे ही मुझे कोई मौका मिला, मैं कोई और व्यू कैप्चर करूंगा,
और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो आप पूरी देखिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह आप ये ग्राउंड्स में ये स्पोर्ट्स इवेंट पे सिक्योरिटी की शिफ्ट हासिल कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सारा गारंटी करूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप ये फुटबॉल ग्राउंड में, ये क्रिकेट ग्राउंड वगैरह में किस तरह ये सिक्योरिटी की शिफ्ट हासिल कर सकते हैं। देखें सारे ये दोस्त हमारी कंपनी के चले गए हैं, ये दो तीन रह गए हैं, हम भी जा रहे हैं। तो अभी जाते हैं अपनी पोजीशन पे, कहाँ पे हमें पोजीशन मिलती है, अभी चलते हैं अंदर जहाँ पे उन्होंने बुलाया था कि 4 o'clock आपने सबने उधर आ जाना है। अभी उधर जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि आज अंदर हमें हमारी पोजीशन होती है कि यहाँ बाहर। लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह आपको मैं बाकी भी व्यू दिखाऊँगा। अभी ये सारे इधर इकट्ठे हो रहे हैं, ये ब्लॉक सी है, सब दोस्त ये इकट्ठे हो गए हैं। बाकी हमारे इधर सुपरवाइज़र होंगे, वो हमें पोजीशन देंगे कि कहाँ पे मिलती है हमें पोजीशन। ये इंडिया का टेस्ट मैच भी लगा हुआ है ओवल ग्राउंड में लंदन में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। अभी ये देख रहे हैं सब, और इधर T20 ब्लास्ट का है मैच आज, जो इनका टूर्नामेंट हो रहा है उसका मैच है। लेट्स सी, अभी स्टार्ट होगा मैच तो मैं आपको अपडेट करूँगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैं क्रिकेट मैच ग्राउंड में आया हूँ सिक्योरिटी की शिफ्ट पे। अभी मुझे ब्रेक हुई थी, अभी मैं खाना वगैरह खाया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा दूँ। ये प्रैक्टिस कोर्ट, यहाँ पे प्लेयर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ये देखें। और साथ ही अभी मैं जाऊँगा दोबारा अपनी पोजिशन पर ग्राउंड के अंदर, तो इम्कान नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूं। ग्राउंड से थोड़ा सा बाइड है मेरी वीडियो और मेरी पोजीशन, लेकिन ग्राउंड नज़र आ रहा है उधर से, लेकिन मैं उधर से वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मोबाइल नहीं अलाउ। तो अभी मेरी ब्रेक भी ख़त्म हो गई है, मैं ट्राई करूंगा कि कोई भी मैं क्लिप ले सकूँ। अभी चलते हैं अपनी पोजीशन की तरफ। जी तो दोस्तों, शिफ्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने कहा था कि मैं स्टेडियम का व्यू दिखाऊंगा, वो मैं आपको नहीं दिखा सका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी सख्ती है, मोबाइल नहीं यूज़ करने देते, अलाउ नहीं है मोबाइल यूज़ करना, तो इस वजह से मैं स्टेडियम का व्यू नहीं दिखा सका। अब हमारी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, अब हम जाने लगे हैं कोच की तरफ। ये सारे ये टीम स्टाफ है सारा, तो ये साथ ही ये प्रैक्टिस एरिया है, ये सारा हमारी कंपनी के ये सारा सिक्योरिटी स्टाफ है। तो अभी कोच में जाएंगे, उधर से वापसी की, थोड़ा सा दूर साउथहैम्पटन में आए हुए हैं। हैम्पशायर का ग्राउंड है, हैम्पशायर क्रिकेट स्टेडियम साउथहैम्पटन में। तो अभी हम लंदन वापस जाएंगे, 2 घंटे का डिस्टेंस है इधर से, तो चलते हैं कोच की तरफ, तो मिलते हैं कोच में। कोच की तरफ आ गया हूँ, ये बिल्कुल सामने हमारी कोच है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी कोच है। सारा स्टाफ अब इसमें बैठेगा और हम चलेंगे लंदन वापस, जो कि 2 घंटे का डिस्टेंस है, 2 घंटे में हम लंदन। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम साउथहैम्पटन में हम शायद क्रिकेट स्टेडियम में आए हुए थे। आज मेरी
शिफ्ट हुई था, जैसा कि मैंने आपको सारा ग्राउंड का रिजल्ट भी करवाया, और जब मैं शुरू हुआ था मैं कोई वीडियो नहीं ले सका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल नहीं हलाओ जब शिफ्ट स्टार्ट हो जाए। उससे पहले मैंने आपको टिकट ग्राउंड का व्यू सारा कुछ दिखाया, और जाते जाते मैं आपको मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितना ये आप भी ले सकते हैं। ये दो तीन कंपनियों के साथ मैं लिंक हूँ जो मुझे फुटबॉल स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट देते हैं, इनमें से एक RMSS और एक सिक्योर अलायंस कंपनी है। आप भी इनकी ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेरे से कॉन्टेक्ट करके, तो मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। और जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में किसी नई जगह किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।